हेलो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है ये मूलियों के ऊपर पे है। मूली आप सभी जानते होंगे, जिसका यूज़ हम लोग सब्जियों में पकाकर भी करते हैं और सलाद के रूप में भी करते हैं। जनरली लोग इसे सलाद में खाना पसंद करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मूली को आप छत पर कैसे लगा सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मूली जैसी सब्जी को, जो कि बहुत गहराई वाले गमले का रिक्वायरमेंट रखती हो, उसको हम छत पे कैसे लगाएंगे। तो बिल्कुल आप छत पे लगा सकते हैं, बहुत ही कम जगह पे, बहुत कम मिट्टी पे। और कोई इसके लिए गमला नहीं चाहिए, बड़ा बैग नहीं चाहिए। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप छोटे से जगह पे कैसे मूली को लगा सकते हैं। आपने जनरली देखा होगा कि मूली को खेत वगैरह में लगाया जाता है, क्योंकि मूली जो है वो कंद वाला एक सब्जी है जो नीचे गहराई तक जाता है। लेकिन फिर भी मैं इसे एक नए टेक्निक से आपको बताऊंगा कि बहुत कम जगह पे आप कैसे इसे लगा सकते हैं। ये जो मैंने मूली लगा के रखी हुई है बैग में, एक बैग में लगा कर मूली रखी हुई है, ये देख सकते हैं, ये मैंने बैग में लगाई हुई है। इस तरीके से पहला तो आप बैग में लगा सकते हैं, लेकिन मैंने शुरुआत में तो कुछ प्रैक्टिकल के रूप में ऐसा करके देखा कि ये हो सकता है कि नहीं। मैंने मूलियों को जो खाने का तेल का पैकेट जो आता है, 1 लीटर वाला खाने का जो तेल आता है, तेल का पैकेट आता है, रिफाइंड सोयाबीन सनफ्लावर है ना, इस तेल के पैकेट में मैंने क्या किया है, मूली को लगा के देखा है, जिसमें सक्सेसफुल हुआ हूँ। और आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप आज बताऊँगा कि कैसे आप मूली को रिफाइंड ऑयल जो रहता है, खाने का तेल के पैकेट है, उसको यूज़ करके अपन उसमें मूली ले सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ घर में जो राशन के समय आप क्या करते हैं, तेल के पैकेट लाते हैं। ये देखिए, जैसे 1-1 लीटर तेल का पैकेट है, इसको क्या करना है, आपको ऊपर से पूरी तरीके से ऐसा कैंची से काट लीजिए और इसमें क्या करिए, नीचे थोड़ा सा होल बना लीजिए। होल ध्यान रखें कि होल ज़्यादा ऊपर तक ना बनाएं, नीचे से 1 इंच छोड़ के और उसके बाद 2 इंच ऊपर, मतलब पहले जो होल है नीचे से 1 इंच नीचे से छोड़ के पहला होल, और पहले होल से दूसरे होल की दूरी ऊपर की तरफ 2 इंच छोड़ के आप दूसरा होल करें। और होल ज़्यादा नहीं करें, कम करें। जैसे इसमें मैंने 1 लाइन पे 3, दूसरे लाइन पे 3, टोटल 6 होल किए हैं दोनों तरफ। इस तरीके से आप होल कर लें तो ये जो है आपका एक मूली के लिए एक पॉलीथिन तैयार हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, आपको इस तरीके से नीचे से ऐसे अंदर की तरफ पॉलीथिन को ऐसा घुसाकर दोनों कोने को मोड़ लीजिए, ताकि जब इसमें आप मिट्टी भरें तो क्या हो, स्टेबल हो, स्टेबिलिटी आए, मतलब ये सीधा ऐसा खड़ा हो जाए। तो चलिए इसको, पॉलीथिन को मैं आपको तैयार करके दिखाता हूँ और फिर इसमें हम मिट्टी डालते हैं। ये देख सकते हैं मैंने क्या किया, तेल के जो पैकेट है इसको एक बैग के रूप में तैयार कर लिया है। इसके नीचे के दोनों सिरों को क्या किया है, अंदर की तरफ मोड़ दिया। इससे क्या होगा कि जब इसमें मिट्टी भरेंगे तो हम ये क्या हो जाएगा, पूरा स्टेबल हो जाएगा। ये देख सकते हैं छेद है, ये छेद जो हम लोग बेसिकली देते हैं जो एक्सेस वाटर है वो वहाँ से निकल जाए। हमको मिट्टी को वो सिर्फ नम रखना है, उसमें पानी रुकने नहीं देना है। अगर आप पानी रुकने देंगे मिट्टी में, चाहे किसी भी फूल फल पौधे के लिए, तो क्या होगा, वहाँ सक्सेस नहीं होगा, मर जाएगा। तो चलिए अब इसमें मिट्टी भरते हैं। ये मैंने मिट्टी पहले से तैयार करके रखी थी, ये मेरी दूसरी तीसरी बार मैं यूज़ कर रहा हूँ इस मिट्टी को। इसके लिए मैंने क्या किया, इसमें सिर्फ खाद मिलाकर और इसे लगभग 1 दिन पूरा तेज धूप में फैला कर रख दिया था। अब ये मिट्टी मेरे लिए यूज़ करने के लिए तैयार है। अगर आप नई मिट्टी ले रहे हैं तो उसमें क्या करें, एक भाग मिट्टी लें, जितना आप मिट्टी ले रहे हैं उसी के उतने ही बराबर गोबर खाद लें और उतने ही के बराबर आप रेत लें और उसको आप इस पॉलीथिन में भरकर फिर यूज़ कर सकते हैं। अगर वो आपकी मिट्टी पुरानी है, आपने वैसा उस रेशियो में मिलाकर यूज़ किया है, तो दोबारा में फिर से रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा में आप क्या करें, उसे धूप में सूखने दें 1 दिन अच्छे से और फैला दें। ये ध्यान रखें कि मिट्टी में जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। इससे फ़ायदा ये होता है कि पुरानी जो मिट्टी है या पुराना जो पौधा है उसमें कोई अगर बीमारी आ गई होगी, हुई रही होगी, उस समय फंगस वगैरह आया रहा होगा, वो क्या हो जाते हैं, धूप में ख़त्म हो जाते हैं। तो ये मैंने मिट्टी तैयार कर ली थी पहले से और इसको दोबारा यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए क्या किया, दिन भर मैं इसको धूप में फैला कर रखा हुआ हूँ और इसमें मैं
खाद मिक्स करूंगा थोड़ा सा गोबर खाद। दोबारा में ये ध्यान रखें कि गोबर खाद उतना ना डालें ना, जैसे जैसे आपकी मिट्टी पुरानी होती जाती है वो एक प्रकार से खुद ही खाद बनते जाती है। आप जब पौधा लगाएं पुरानी मिट्टी में तो बहुत कम अमाउंट में ही आप खाद डालें, उसके बाद फिर जब आप पौधा लगाते हैं और पौधा जैसे जैसे आपका ग्रोथ करता है उस हिसाब से उसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग आप उसमें क्या करें खाद अप्लाई करें। तो चलिए अब हम इसमें पॉलीथीन में मिट्टी भरते हैं। अब ये देख सकते हैं मैंने पॉलीथीन में पूरी तरीके से मिट्टी को भर दिया है। मिट्टी भरने के समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि पॉलीथीन में ऊपर थोड़ा सा लगभग 1 इंच का जगह आप छोड़ें, क्योंकि आज जब आप पानी अप्लाई करते हैं तो पानी उसमें क्या है थोड़ा सा रुक कर धीरे धीरे सिप होता हुआ क्या हो ड्रेन हो जाए। अगर आप इसमें स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, पानी सीधा डालेंगे तो पानी ये सोख नहीं पाएगा, साथ ही साथ इसके क्या होगी जो मिट्टी है ऊपर की लेयर जो है वो निकल जाएगी बाहर आ जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा जगह आप छोड़ें। और ये देखिए हमने क्या किया है, पूरा ये 1 लीटर का जो तेल का पैकेट है इसमें हमने मिट्टी भरकर एक अपना मूली के लिए एक तरीके का एक बैग तैयार कर लिया है। अब इसमें हम सीधे सीधे क्या करेंगे, बीज लगाएंगे। बीज लगाने का भी तरीका है, अगर क्योंकि मूली के जो बीज रहते हैं बहुत छोटे छोटे रहते हैं, खेतों में क्या करते हैं उसे सीधा सीधा छिड़क दिया जाता है, लेकिन जब हम उसे पॉलीथीन या बैग वगैरह में लगाते हैं तो हमको बहुत सावधानी से बीजों को लगाना होता है। अगर हम ज़्यादा गहराई में बीज को डाल देंगे तो निकलते नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ फिर बीज कैसे डालना है। ये देख सकते हैं फ्रेंड ये क्या है, मूलियों के बीज हैं। आप एक बीज से बिल्कुल एक मूली ले सकते हैं, ये जो बीज है बहुत सस्ते आते हैं। आप किसी भी बीज जहाँ पर कृषि केंद्र होंगे जहाँ बीज अवेलेबल होते हैं बीज बिकते होंगे वहाँ पर आप जाकर ले सकते हैं। कुछ दुकान जो हैं बीज को खुले भी देते हैं, पैकेट आप मत खरीदिए क्योंकि बहुत सारे होते हैं और एक बीज से एक पौधा होना श्योर है। जिस तरीके से मैं जिस मेथड से मैं मूली लगाऊंगा उस मेथड से ये बिल्कुल श्योर है कि एक बीज से एक मूली आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं है, 5 रुपये 10 रुपये के आप बीज खरीद लें जो आपको साल भर से ज़्यादा चलेंगे अगर आप कंटिन्यू हर महीने लगा रहे हैं तो। और इस मूली को जो है हर मौसम में लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि वो इसके लिए ठंड का मौसम ही फिक्स है, ठंड में सर्दी गर्मी में आप लगा सकते हैं। बरसात में थोड़ा सा ध्यान रखना रहता है कि इसमें कंटिन्यू पानी ना पड़े, या पानी पड़े भी तो कंटिन्यू पानी ना रुके। गर्मियों में ज़्यादा पानी इसमें लगता है, ठंड में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं बीज को कैसे अप्लाई करना है। इसमें क्या करें, आप एक बीज उठा लें और इसे अपने पॉलीथीन के जस्ट सेंटर पर जितना बीज है उससे उसके 2 गुना गहराई में आप लगा दें। गहराई में लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक लकड़ी लें छोटा पतला सा और उसे क्या करें यहाँ हल्का सा ऐसा प्रेस करके इतना देखिए, या आप लकड़ी नहीं तो आप उंगली का यूज़ कर सकते हैं। देखिए मेरी उंगली, मेरे जो ये उंगली का ये जो पहला निशान है इसके जस्ट मैंने क्या किया, हाफ क्या किया है इसमें ऐसा जगह बनाया है। अब इसमें क्या करें, आप अपना बीज डाल दें और ऊपर से इसे ऐसा कवर कर दें। कवर करने के बाद आप इसे हल्के से ऐसे हल्के हाथों से प्रेस कर दें ताकि जब आप पानी से अप्लाई करें तो बीज जो है वो बाहर ना आए। अब हमने क्या किया है, बीज इसमें डालकर मिट्टी से कवर कर दिया है। बीज को ज़्यादा गहराई में ना डालें, बिल्कुल ध्यान रखें कि बीज ज़्यादा गहराई में नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गहराई में बीज रहेगा तो आपकी जो मूली का जो पौधा है वो नहीं निकल पाएगा, उसमें अंकुरण होगा लेकिन वो क्या है बहुत छोटा बीज है, अंकुरण निकलने के लिए ज़्यादा ताकत नहीं लगा पाता, इसलिए उसको जस्ट थोड़े से अंदर में आप डालें। जैसे कि मैंने बताया अपने उंगली का ये जो ट्रिक है ये मेथड है इसको यूज़ करें, जस्ट ये उंगली का जो निशान है उसके हाफ में जगह बनाकर आप बीज को डालें और कवर कर दें मिट्टी से। अब इसमें पानी अप्लाई करने का तरीका, पानी जब आप अप्लाई करें तो आप ऐसा हाथ रख के इसके ऊपर पानी डालें, डायरेक्ट इस सतह पे इस सरफेस पे पानी ना डाल के अपने उंगलियों पर पानी डालें धीरे धीरे करके, जिससे क्या होगा ये डायरेक्ट बीज के ऊपर नहीं पड़ेगा और बीज बाहर नहीं निकलेगा। और क्या है धीरे धीरे पड़ने के साथ पानी इसको क्या कवर कर देगा और धीरे धीरे इससे नीचे सोख कर बाहर निकल जाएगा छेद से, बीज हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा। ये हमने अब क्या किया है पानी अप्लाई कर दिया है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार जब आप गोबर खाद मिक्स करके मूली के बीज डाल देते हैं तो दोबारा आप
वो इसमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसमें पानी डालते रहें, पानी की कमी ना होने दें बिल्कुल भी। और इसके अलावा अलग से उसमें कोई खाद मिलाने का या उसे कोड़ा देने का या उसकी केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये ध्यान रखें कि पानी जो है वो उसमें कंटिन्यू डलता रहे, जो हमारी पॉलीथीन है उसमें नमी बना रहे, और ये ध्यान रखें कि मूली में शाम के समय पानी ना डालें। मूली में पानी डालने का समय जो है वो सुबह के टाइम पे है, सुबह आप जब तेज़ धूप ना हो, लगभग 7:30-8 बजे के 9 बजे के आसपास पे आप क्या करें, पानी अप्लाई कर दें उस पर। शाम के समय अगर पानी डालेंगे तो होते क्या है, पानी जो है पत्तियों में रुक जाते हैं और उसकी वजह से फिर उसमें कीड़े आने लगते हैं, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए। ये देखिए जो मैंने आपको अभी लगा के दिखाया है मूली का बीज, ये पहले मैंने बहुत सारे पौधे जो है इस तेल के पैकेट में तैयार करके रखे हैं। ये देखिए ये लगभग 1 सप्ताह का पौधा है, बीज डालने के बाद लगभग इतना बड़ा होने, इसमें ये लगभग 4 इंच ऊंचा हो चुका है, इतना बढ़ने में उसको 1 सप्ताह का टाइम लगा है। उसके बाद फिर स्टेप बाई स्टेप समय के हिसाब से क्या करते हैं, बढ़ते जाते हैं। देखिए ये बढ़ ही रहा है, ये और मोटा होगा, इसकी जो ग्रोथ होती है बहुत तेज़ी से होती है, इसमें कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको पानी अप्लाई करना है सही टाइम पे, सूखने नहीं देना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये 1 लीटर का पॉलीथीन है, इसमें लगभग 1 लीटर मतलब इसको वो जो पॉलीथीन है इसमें मिट्टी बहुत कम आती है, बहुत कम जगह लेता है, आप कहीं भी रख सकते हैं, आपके पास जगह नहीं, आपके पास अगर बालकनी भी है तो बालकनी में आप बिल्कुल 10 से 15 पॉलीथीन आप यूज़ करके इस मूली को उगा सकते हैं। मार्केट में आप जाएंगे तो बड़ी बड़ी मूलियाँ, मोटे मोटे मूलियाँ मिलती हैं, उसका वो इसलिए क्योंकि उसमें यूरिया की यूज़ किया जाता है। आप अगर इसे सलाद के रूप में यूज़ करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक मूली खाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप क्या करें, पॉलीथीन पर लगाएँ, क्योंकि इसमें हमने कोई ऑर्गेनिक खाद नहीं डाला है, इस वजह से इसके साइज़ भी अगर आपको मिलेंगे तो उतने मोटे नहीं मिलेंगे ना ही उतने लंबे मिलेंगे, लेकिन खाने लायक मिलेंगे और वो बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक होगा। और टेस्ट भी आप खुद चेक कर सकते हैं, आप लगा कर देखिए, टेस्ट करके देखिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। अब चलिए हम क्या करते हैं कि कुछ पैकेट्स को निकाल कर देखते हैं जो कि मेरा मूली अब उपयोग करने के लायक, यूज़ करने के लायक हो गए हैं। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि क्या साइज़, कितने साइज तक हो सकते हैं। ये देख सकते हैं मैंने कुछ मूलियों को क्या किया है, अलग निकाल कर रख लिया है, जिन्हें मैं अब सलाद के लिए, सब्जी के लिए यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि अब ये हो चुके हैं यूज़ करने लायक। अब हमें इस निकाल कर देखते हैं कि कितना साइज अपने को मिल जाता है। ये एक इनमें से उठा लेते हैं, ये देखिए इस मूली ने कितना अच्छा ग्रोथ किया है, साइज भी अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है मूली की। इसके पत्ते देखें, पत्ते भी अच्छे हैं, इसका भी यूज़ आप सलाद के साथ कर सकते हैं, पत्तों को कच्चा भी, या तो आप इसको सब्जी के रूप में यूज़ कर सकते हैं पत्तियों को भी। चलिए इसे निकाल कर देखते हैं, ये देख सकते हैं लगभग ये मेरे पंजे इतना बड़ा है, लगभग ये देख सकते हैं पंजे इतना बड़ा है, ये मेरा पंजा लगभग 6 इंच का है। तो आपको एक पॉलीथीन से, जिसको आप वेस्ट कर देते हैं, कचरा समझकर फेंक देते हैं बाहर, जिससे कि एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन भी होता है, नालियों में जाम हो जाते हैं जाकर, या फिर कचरे के साथ मिलकर जब गाय या बकरी जो भी बाहर मवेशी रहते हैं कचरे के चीज़ों में, कचरे की जगह पर खाने की चीज़ें ढूंढते रहते हैं, वो इसे खा लेते हैं, तो उससे बचा सकते हैं आप बिल्कुल इस तेल के पैकेट का यूज़ करके। और देखिए कितनी अच्छी मूली हुई है, बिल्कुल आपका आप ये यूज़ जो है सलाद के रूप में कर सकते हैं, सब्जी के रूप में यूज़ कर सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल आप ताज़ा यूज़ करें इसको। और पॉलीथीन का यूज़ तो बिल्कुल करें, ये जो पॉलीथीन है
तेल का जो पैकेट है लगभग लगभग 2 साल चल जाता है। वैसे तो आप हर महीने अपना राशन लाते होंगे तो हर महीने में आपको 5 से 6 पैकेट आराम से मिल जाएंगे। तो इस पॉलीथीन को आप फेंकने के बजाय क्या करें, यूज़ करें। 2 साल बाद यूज़ करने के बाद ये क्या हो जाता है, खुद ही ख़राब हो जाता है बिल्कुल। आप इसे हाथ से मसलेंगे तो चूरा चूरा हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारा इन्वायरमेंट डायरेक्ट पॉल्यूशन होने से, पॉल्यूट होने से बचेगा। अब मैं सारे जितने पॉलीथीन मैंने अलग किए हैं, लगभग हमारे घर में 5-6 सदस्य हैं, उनके सबके लिए सलाद या सब्जी में हो जाए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबको अलग निकाल लेता हूँ पहले। ये देख सकते हैं हमने क्या किया है, इसको मूलियों को निकाल कर धो लिया है। ये 6 पैकेट के हैं, पूरे के पूरे पैकेट में मूली जो है अच्छे से हुए हैं। इनका वजन लगभग आधा किलो से ज़्यादा है। अब ये इसमें देख सकते हैं कि अब खर्चा कितना आ रहा है, खर्चा बिल्कुल भी नहीं है। 0 कॉस्ट पे आप क्या कर रहे हैं, घर पे ऑर्गेनिक मूली आप पा रहे हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत ज़रूर लगेगा, मिट्टी आपको निकालनी पड़ेगी, उसे सुखाना पड़ेगा, मिट्टी तैयार करके पॉलीथीन में भरना पड़ेगा। पॉलीथीन जो आप कचड़े के लिए, कचड़े का समझ कर फेंक देते थे, उसमें आप क्या कर सकते हैं, मूली उगा सकते हैं बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक। और इनका टेस्ट तो बाज़ार से बिल्कुल अलग ही हो सकता है, जब आप यूज़ करेंगे ऐसा लगा कर तब आपको पता चलेगा। ये लगभग आधा किलो के बराबर पे है। मार्केट पे आप जाएंगे तो मूली के जो रेट है लगभग वो 20 रुपये किलो, 10 रुपये किलो होता है। और उस 10 रुपये से कम लगभग इसका कीमत, अगर आप मेहनत को छोड़ दें, मेहनत भी ज़रा सा मेहनत है, उस मेहनत को छोड़ दें तो आपको एक मूली का जो कीमत जो है 1 रुपये भी नहीं पड़ रहा है। बीज जो है अगर आप 10 रुपये के, 5 रुपये के बीज खरीदें तो आप उसमें से 100 से ज़्यादा, ये गारंटी है, 100 से ज़्यादा आप मूली ले सकते हैं। तो बिल्कुल आप मूली लगाएं घर पे और उसका यूज़ करें। अगर आपको लगाने के इस प्रोसेस में या लगाने के बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल मुझे कमेंट्स करें। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो, मेरे को लगता है आज का वीडियो तो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है तो उसको शेयर करें ताकि लोग भी जान सकें कि ऐसा हम घर पे ये ग्रो कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जिनको भी अगर आप शेयर कर रहे हैं बिल्कुल, ताकि मेरी जो नई नई वीडियो है अलग अलग सब्जियों के ऊपर पे, जो ट्रिक पे बेसिस होती है, बिना खर्चे के कम कॉस्ट पे, बिल्कुल 0 कॉस्ट पे, और जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करें, ऐसे एग्जांपल्स के साथ मैं क्या करता हूँ, सब्जियों को लगाने की कोशिश करता हूँ, मतलब 0 कॉस्ट में ज़्यादा बेनिफिट। तो आप भी दूसरों को इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए करें कहें, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो मेरे चैनल के बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू।